हमारे पिछले वीडियो में हमने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन यानी बहुलकीकरण अभिक्रियाओं को देखा और ये समझा कि पॉलीमर्स यानी बहुलक कैसे बनते हैं। इस वीडियो में हम अलग अलग पॉलीमर्स और उनके विशिष्ट उपयोगों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, साथ ही हम उनके साथ जुड़ी हुई समस्याओं पर भी ध्यान देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलीमर्स लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक अणु होते हैं जो रिपीटिंग मोनोमर्स यूनिट से बने होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भी कई तरह के नेचुरल पॉलीमर्स का इस्तेमाल करते हैं। रबर या हमारे शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और डीएनए जैसे कुछ नाम इसके उदाहरण हैं। हम आगे के वीडियो में अपना ध्यान सिंथेटिक पॉलीमर्स यानी संश्लेषित बहुलकों पे केंद्रित करेंगे। प्लास्टिक एक सामान्य सिंथेटिक पॉलीमर है जिसका इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में वस्तुओं की पैकिंग से लगाकर जटिल बिल्डिंग मटेरियल्स के निर्माण में करते हैं। हमारे घरों में प्लास्टिक का अत्यधिक इस्तेमाल होने के कारण लगभग 1/4 सॉलिड वेस्ट प्लास्टिक होता है। इसके कुछ हिस्से को हम रिसाइकल करके हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यानी ऐसे प्लास्टिक जो हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं, इस तरह की प्लास्टिक बनाना वैज्ञानिकों के लिए आज भी बड़ी चुनौती है। यहाँ पे पॉलीमर्स के कुछ उदाहरण और उनके उपयोग दिए गए हैं। पॉलीथीन, इसका इस्तेमाल कैरियर बैग्स और शीट प्लास्टिक के रूप में किया जाता है। ऊंचे घनत्व वाली यानी हाई डेंसिटी वाली पॉलीएथीन का इस्तेमाल ड्रेन पाइप्स, पानी की बोतलों और डब्बे बनाने में किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन का इस्तेमाल पैकिंग में किया जाता है। पॉलीप्रोपेन का इस्तेमाल बोतलों के ढक्कन, प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक पाइप बनाने में किया जाता है। पॉलीक्लोरोइथेन, जिसे सामान्यतः पीवीसी भी कहते हैं, का इस्तेमाल खिड़की, दरवाजों के फ्रेम, प्लास्टिक के जोड़ और बोतल बनाने में किया जाता है। पॉली-1,2-टेट्राफ्लोरोइथेन, जिसे पीटीएफई भी कहते हैं, का इस्तेमाल फ्राइंग पैन्स में नॉनस्टिक परत चढ़ाने में और घर्षण कम करने वाली सतह यानी बियरिंग्स बनाने में किया जाता है। केवलर एक खास तरह का पॉलीमर है जिसका इस्तेमाल बुलेट प्रूफ वेस्ट्स और जैकेट्स बनाने में किया जाता है। नायलॉन का उपयोग कपड़ों और कारपेट्स में किया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि प्लास्टिक्स हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, उसके खास गुणों के कारण उसका इस्तेमाल हम कई तरीकों से और कई चीजों में करते हैं। ये समझना जरूरी है कि पॉलीमर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एल्केन मोनोमर्स कच्चे तेल के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं और इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए और इन पॉलीमर्स का भविष्य में निर्माण करने के लिए प्लास्टिक को रिसाइकल करना कठिन है। पॉलीमर्स का डिस्पोजल भी एक बड़ी समस्या है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि पॉलीमर्स की सबसे बड़ी समस्या उनका नॉन बायोडिग्रेडेबल होना है। इसका मतलब यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव उनको प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं कर सकते। पॉलीमर्स को जलाकर उनका डिस्पोजल किया जा सकता है। पॉलीमर्स को जलाने पर हीट उत्पन्न होगी जिसका इस्तेमाल हम बिजली बनाने में कर सकते हैं। हालांकि पॉलीमर्स को जलाने से कई हानिकारक गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं और प्रदूषण का कारण बन सकती हैं। तो अब आखिरी में आपको पॉलीमर्स के महत्व की सराहना करनी चाहिए। अब आप दूसरे पॉलीमर्स के नाम उनके उपयोगों के साथ लिख सकते हैं और साथ ही उनसे जुड़ी समस्याओं को भी लिख सकते हैं।